हेलो आई आई टी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। फॉर्मल डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, मैं इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, लेट्स से फैमिली वन, दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स है फैमिली टू। अब फैमिली वन में बहुत सारे मेंबर होंगे, फैमिली टू में बहुत सारे मेंबर होंगे। अगर फैमिली वन का हर मेंबर फैमिली टू के हर मेंबर के साथ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री बनाता है तो ये दोनों फैमिलीज हो गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। जैसे अपनी हिंदी पिक्चर में होता है ना, एक फैमिली का हर मेंबर दूसरी फैमिली के हर मेंबर का दुश्मन है, खानदानी दुश्मनी। खैर फिल्मों में तो ये होता है कि फैमिली वन की फिर कोई एक लड़की होती है जिसको प्यार हो जाता है फैमिली टू के किसी लड़के के साथ, दोनों की शादी हो जाती है या दोनों मर जाते हैं, इवेंचुअली फैमिली इसमें दुश्मनी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वंस ऑर्थोगोनल ऑलवेज ऑर्थोगोनल। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स याद है ना, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिटरमाइन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल से स्टेप से, बहुत ही लॉजिकल है। पहले तो हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व होगी वो अपनी प्रिमिटिव इक्वेशन होगी, उस प्रिमिटिव इक्वेशन से हम कन्वर्ट करेंगे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx वाली टर्म होगी जो कि टेंजेंट का स्लोप होता है, तो हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर। तो अगर किसी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m। तो हम dy/dx को रिप्लेस कर देंगे -dx/dy से। अब ये करने की वजह से ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और अपने को दूसरी फैमिली मिल जाएगी कर्व की जो कि पहली वाली फैमिली के ऑर्थोगोनल होगी। स्टेप समझ में आई, प्रिमिटिव इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस करेंगे और फिर इस नई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ गया खटखटाखट। तो खटखटाखट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर है ये, और लॉजिकली सोचोगे तो ये आना भी चाहिए। फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं ओरिजिन से पास होने वाली, और ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर ओरिजिन है। तो जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है वो लाइन उस सर्कल के लिए नॉर्मल होती है कि नहीं। अब इसको अपन मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं खटखट। तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम ओरिजिन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी पैरामीटर नहीं होता और पैरामीटर यहां पर ऑब्वियसली m है। तो m की ये वैल्यू dy/dx यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ गई इस फैमिली ऑफ लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dy/dx को किससे रिप्लेस करना है, -dx/dy से। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान, और इसको मैं लिख देता हूं c है तो इवेंचुअली कांस्टेंट, तो यहां से आ गया x2+y2=c। बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर है ये, जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ए यहां पर पैरामीटर है, डिफरेंशिएट करेंगे, मैं dy/dx को y- लिख देता हूं। अब a पैरामीटर है तो यहां पर अपन a को रिप्लेस कर देंगे और फिर dy/dx मतलब y- को अपन रिप्लेस करेंगे -dx/dy से। ये एक y से
एक वाई कट जाएगा तो अपने पास आ गया वाई इक्वल टू टू एक्स इंटू माइनस डी एक्स बाय डी वाई। सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और टू सी डैश को सी लिख देंगे। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें। चलिए भाई, क्या आंसर है? ट्रू। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब कि परिवार के अंदर ही हर सदस्य दूसरे सदस्य से नफरत करता है, इंटरनल दुश्मनी होता भी है कई बार रियल लाइफ में। तो चलिए भाई, अपने को ये दिखाना है कि इस कर्व की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आएगी वो ये खुद ही होगी। सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं है, हम एक काम करेंगे कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करेंगे, और ऐसा करने पर अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो ऑब्वियसली जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें यही प्रिमिटिव इक्वेशन मिलेगी, है कि नहीं? बात लॉजिकल है ना? तो चलिए पहले हम इस प्रिमिटिव इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, एलसीएम पैल्सियम लिया तो यहां से हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकालते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें यहां पर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा चाहिए भाई। इवेंचुअली तो अपने को सब चीजें यहां सब्स्टिट्यूट करनी है ना। चलिए, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस लैम्डा विल बी अब ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब y डैश की जगह अपन लिखेंगे dy बाय डी एक्स, तो 1 बाय y डैश क्या हो जाएगा? dx एक्स बाय डी वाई। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करने के लिए हमें dy बाय डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाय डी वाई रखना है। तो देखो तो इक्वेशन ये जो है वो चेंज ही नहीं होगी। यहां पर आ जाएगा माइनस डी एक्स बाय डी वाई, और ये माइनस डी एक्स बाय डी वाई विल बिकम dy बाय डी एक्स। तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसके प्रिमिटिव इक्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। हैंस दिस फैमिली ऑफ कर्व्स आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। बात समझ में आई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।